नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों 24 अगस्त को जो है मेरे गोपाल जी का बर्थडे था, तो आज 25 है, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ वीडियो आपके साथ शेयर करने में, क्योंकि सारी चीज़ें करते करते थोड़ा लेट हो गया था और थक भी गए थे, क्योंकि गोपाल का बर्थडे था। तो उस हिसाब से उसको अच्छे से मैं चाहती थी उनका जो थोड़ा से उनके लिए कुछ करना, तो चलिए देखते हैं मैंने उनके लिए जो भी किया है अपनी तरफ से या उन्होंने जो करवाया है वो मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ, क्या किस तरह से मैंने उनका जो है जन्मदिन मनाया या उनके साथ कैसे सेलिब्रेशन किया है। तो दोस्तों इनको जो है मैं इनका 2 साल हो चुके हैं मेरे साथ आए हुए। मैंने 2019 में जो है इनको जन्माष्टमी वाले दिन ही जब मैं इनको लेकर आई थी और उसी समय जो है उसी दिन मैंने इनको जो है प्राण प्रतिष्ठा भी किया था, और वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर है, आपको दिखाया भी था सब चीज़ें ही। तो चलिए ये सारे जो ज्वेलरी आप देख सकते हैं, मेरे लड्डू गोपाल जी जो है बिल्कुल स्नान करके बिल्कुल रेडी है, और ये ड्रेस आप देख सकते हैं ये आज इनके बर्थडे को मैं पहनाऊंगी इनको, इसी से ही इनका जो है श्रृंगार करूंगी। तो काफ़ी हैवी ड्रेस है आप देख सकते हैं, काफ़ी पैचेस लगे हुए इसमें, फ्लावर है, स्टोन है, सारी चीज़ें हैं, और ये जो ज्वेलरी और कंगन ये सभी चीज़ें जो है आज इनको मैं धारण कराऊंगी। और इनका जो श्रृंगार होने के बाद में भी ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो वो भी मैं अब लास्ट तक बने रही है या किस तरह से इनकी सेवा मैंने की है। अगर आप भी अपने लड्डू गोपाल जी किस तरह से सेवा करना चाहते हैं जन्मदिन के दिन तो कर सकते हैं, इन्हें भी थोड़ी सी खुशी मिल जाती है क्योंकि हम भी हमारे छोटे बच्चों का भी जिस तरह से जन्मदिन मनाते हैं। तो चलिए इन्हें फटाफट से जो है रेडी कर देते हैं। मैंने इनको सुबह उठकर जो है दोस्तों दूध और बिस्किट का भोग लगाने के बाद में जो है इनको स्नान करवा दिया था। अभी जब ये बैठे थे आपने देखा तब ये जो है स्नान करना इनका हो चुका था, और अब मैं इनको जो है बहुत अच्छे से जो है रेडी करूँगी जन्मदिन के हिसाब से। ये ड्रेस इनके थोड़े पहले लाई हुई थी लेकिन कभी मौका नहीं मिला इनको पहनाने का, क्योंकि इनके पास काफ़ी सारी जो एक्स्ट्रा ड्रेसेस पड़ी रहती है और मैं एक साथ 4-5 ड्रेसेस ख़रीद लेती हूँ, तो जो भी ओकेशन के हिसाब से सेट होता है या जो भी उनके साथ ज्वेलरी वगैरह सेट बैठती है वो पहना देती हूँ, क्योंकि मैचिंग का इनको बहुत ही ज़्यादा वो है। सजना संवरना भी हमारे गोपाल जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इनका बिल्कुल सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ बिल्कुल अच्छे से रेडी हो। जन्मदिन है, छोटा मोटा दिन भी नहीं है, हम भी हमारे जन्मदिन में बहुत ही चाहते हैं कि अच्छे दिखे, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे जो गोपाल है वो जन्मदिन वाले दिन बिल्कुल अच्छे से रेडी हो। और आप भी बताइएगा कि किस तरह से ये दिख रहे हैं, इनका लुक कैसा लग रहा है जन्मदिन वाले दिन। तो इस तरह से मैंने इनको जो है रेडी कराया है, तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं मेरे गोपाल। तो सुबह ही मैंने इनको जो है रेडी कर दिया और इनके लिए जो है एक छोटा सा डेकोरेशन भी किया है कि इनको थोड़ा सा बर्थडे जैसा अच्छा सा स्पेशल फील हो थोड़ा सा, तो वो भी मैं आपके साथ दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने जो है सजाया है। तो ये है आज का इनका मनोहर जो दृश्य है, आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, ये बिल्कुल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और मैं इनको थोड़ा सा जो है इत्र भी लगा देती हूँ ताकि इनसे बहुत अच्छी सी जो है खुशबू भी आती रहे। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले जो है मैंने आपके साथ में इनका आई मेकअप का वीडियो भी शेयर किया है, उसका जो लिंक मैं आपको जो है लिंक आई बटन में दे दूंगी, तो वहां से अगर आपको इनका आई मेकअप पसंद आ रहा है तो आप वहां से जाकर जो है देखकर अपने लड्डू गोपाल जी का भी जो आई मेकअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आज का मेरा छोटा सा जो है इनके लिए मैंने डेकोरेशन किया है, आप देख सकते हैं मैंने जो है यहाँ बलून्स वगैरह लगाए हैं थोड़े से और लाइटिंग वगैरह भी की है, और दोनों लड्डू गोपाल जी को जो है रेडी करके दोपहर को मैंने इनको जो है भोग लगाया है। इनके लिए आज मैंने जो है थोड़े से जो है राइस बनाए हैं, जीरा राइस है ये बिल्कुल, और काजू वगैरह डाल के बनाया था ये, और जो है ये पोटैटो को इसे फ्राई करके दिया है और लड्डू रखा है साथ में इनके लिए और खीर बनाई है। तो ये है इनके लिए आज भोग।
तो और जो है सभी पर मैंने तुलसी दल भी दे दिया है और दोनों लड्डू गोपाल जी को विराजित कर दिया है जगह पर, क्योंकि बड़े वाले लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है, बट छोटे वाले लड्डू गोपाल जी काफ़ी सालों से हैं, मुझे नहीं पता है कि ये कब आए हैं, क्योंकि मेरी दादी इनको लेकर आई थी, तो कब लेकर आई थी तब शायद मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो मुझे नहीं पता है कि ये कब आए हैं हमारे घर पे, तो इनका तो बर्थडे मुझे नहीं मालूम है, तो एक ही साथ जो है मैं दोनों का जो है इस तरह से सेलिब्रेट जो है करवा दूंगी एक साथ। तो इस तरह से मैंने बलून्स वगैरह लगाए हैं, कुछ पैचेस वगैरह से डेकोरेशन किया है, और थोड़े से जो है फ्लावर वगैरह जो आर्टिफिशियल होता है उससे अच्छे से, मतलब छोटा मोटा ही, ज़्यादा बहुत हैवी नहीं किया है कुछ भी, लेकिन जो इनका बर्थडे है तो इस हिसाब से थोड़ा सा इनको भी अच्छा लगे, और जितना मेरे से हो पाया है उतना मतलब कि मैंने करवाया है। आप देख सकते हैं ये डेकोरेशन के लिए जो ये पैचेस वगैरह है ये भी मैंने जो है यहाँ रखा है, जिससे थोड़ा सा रंगोली जैसा लगे और अच्छा दिखे। तो ये है, आपको मैं पूरा दिखा दूँ एक बार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लग रहा है। तो थोड़े से लाइटें वगैरह लगवा दी है छोटी सी, ताकि थोड़ा सा मतलब कि बर्थडे का लुक है। और आप देख सकते हैं आज के जो हमारे गेस्ट है वो भी आ चुके हैं, इनके बर्थडे के लिए मैंने जो है मेरे फ्रेंड के लड्डू गोपाल जी को जो है बुलाया है, इनविटेशन दिया था, तो वो उसने भी अपने लड्डू गोपाल को भेज दिया है, ताकि जो है तीनों बच्चे हमारे जो है उन आराम से जो है जन्मदिन मना सके, क्योंकि हम हमारे बच्चों के बर्थडे पे में जो है छोटे बच्चों को इनविटेशन देते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छे से जन्मदिन के लिए, मेरे बच्चे के जन्मदिन पर जो है बहुत अच्छे से रेडी होकर आए हैं, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और अभी जो है मेरे लड्डू गोपाल का जो है आज बर्थडे है, तो उस हिसाब से 2 साल हो चुके हैं, तो मैंने 2 कैंडल्स जो है लगाए हैं, आप देख सकते हैं, और मैंने केक के ऊपर जो हैप्पी बर्थडे गोपाल भी लिखवाया था, तो ये आपके सामने ही रखा हुआ है। और मैंने जो है इनके अभी केक कट करवा दूंगी, तो केक कट करवा के दोनों तीनों बच्चों को जो है केक जो है सर्व भी कर दूंगी। तो केक कट भी कर लेते हैं दोस्तों, चलिए केक भी कर लिया है, और अब जो है तीनों बच्चों को जो है केक खिला भी देते हैं। ये जो है दोस्तों एगलेस केक है, तो ये लड्डू गोपाल जी को दे सकते हैं, तो ये मंगवाया था मैंने, आप देख सकते हैं। अभी जो है मैं इनको सिर्फ इतना सही खिलाने से तो काम बनता नहीं है, और ये जो गिफ्ट है ये गिफ्ट तीनों के लिए रखा है मैंने, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड के लड्डू गोपाल है वो फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आए हैं, और बर्थडे बॉय के लिए मैंने यहाँ पर जो है सारा सेट रखा था, वो दूंगी इनको गिफ्ट में। मेरी फ्रेंड ने भी इसके लिए मेरे लड्डू गोपाल के लिए जो है ड्रेस भिजवाई है, वो मैंने जो है पहले इनको दे दी थी सुबह ही, और अभी जो है इनके लिए चॉकलेट्स ड्राई फ्रूट्स जो भी मैंने मंगवाया था वो सारी चीज़ें जो है इनको दे रही हूँ, और बर्थडे बॉय के लिए थोड़ा सा स्पेशल जो सामान है वो पहले से ही मैं ला के रखी थी, और ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि क्या क्या सामान मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की थी, तो एक जो है इनके लिए पूरा सेट जो निकाला है गिफ्ट के लिए, ताकि ये मैं इनको आगे कभी पहना दूँगी। और अभी चलिए इनको जो है जो भी अभी केक वगैरह कट किया है वो सर्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है चॉकलेट्स और खीर खीर जो है ये सिमई वाली खीर है, और केक मैंने मेरे फ्रेंड के लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से प्लेट लगाई है, क्योंकि वो हमारे आज के जो है मेहमान हैं इस तरह से, और मेरे लड्डू गोपाल जी को मैं एक साथ ही हमेशा भोग लगाती हूँ, तो दोनों के लिए मैंने एक ही प्लेट लगाया है। तो और दोस्तों ये जो प्लेट्स है दोस्तों ये प्लास्टिक के नहीं हैं, क्योंकि इनको लेके बर्तनों को लेके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं, मैंने शॉप वाले से बोला भी था कि भोग लगाने के लिए चाहिए, तो इन्होंने जो कागज़ की अभी जो प्लेट आती है थोड़ी से हार्ड होते हैं वो है, ना तो ये फाइबर के हैं और ना ही ये आपके थर्माकोल के हैं, ये कागज़ के प्लेट्स है। अभी ये भोग के लिए आप इस तरह के प्लेट्स ले सकते हैं, तो ये लिया है। तो लड्डू खीर है सिमई वाली, और केक है, और चॉकलेट है, ये मैंने जो है इनके लिए जो है इतना ही कर पाई। तो ये था दोस्तों आज का मेरा वीडियो, मैंने इसी तरह से जो है अपने गोपाल का जन्मदिन जो है इसी तरह से मनाया था, और ये जो है मैं कल आपके साथ नहीं शेयर कर पाई थी, तो मैंने सोचा आज ही आपको सारी चीज़ें बता दूं कि किस तरह से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का जो है बर्थडे मनाया।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आप इसे पसंद कर रहे हैं तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो वहाँ से आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।